हेलो गाइस, सो आज का टॉपिक क्या है, ताहिर वन टैप मारने से पहले एक परफेक्ट जंप करता है। जैसे कि देख सकते हो परफेक्ट जंप करता है तो उससे जो वन टैप लगने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और हर लेजेंडरी प्लेयर ये परफेक्ट जंप यूज़ करते हैं। तो यार आज का टिप्स एंड ट्रिक यही है कि आप कैसे परफेक्ट जंप कर सकते हो या फिर सुपर जंप जो ही बोलते हो उसे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार परफेक्ट जंप करने के लिए सबसे पहले तो थोड़ा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। तो आपको कस्टम हब में आ जाना है। यहाँ पर आपको स्विच जो वेपन गन है उसको मतलब स्विच वेपन की जो है उसको आपको लेफ्ट साइड ला के उसको आपको ऊपर में सेट करना है और थ्री फिंगर खेलना है। मतलब थ्री फिंगर नहीं आता तो भी से यार आपको थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ये वन टैप परफेक्ट जंप करने के लिए। उसके बाद आपको जो राइट साइड जंप की रहता है उसको लेफ्ट साइड ला के आपको यहाँ पर जैसे मैं सेट किया हूँ वैसे कर देना है। ताहिर सेम टू सेम यही वाला तो आपको सेम टू सेम ऐसे डाल देना है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग ग्राउंड मतलब ट्रेनिंग में जाना है। आपको ट्रेनिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा, दो तीन दिन लगेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो सिंपल से आपको ट्रेनिंग में आना है और यहाँ पर आपको ये जो है इसको आपको एनिमी मानना है। उसके बाद यहाँ से आपको रन करते जाना है, मतलब एनिमी के उल्टे साइड जाना है। उसके बाद स्क्रीन को मूव करना है, उसके बाद स्विच एंड जंप करना है, मतलब स्विच उसके बाद जंप, स्विच एंड जंप। उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस करते रहें स्विच जंप स्विच जंप। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो उसके बाद स्विच एंड जंप, उसके बाद फायर करके देख सकते हो आप स्विच जन एंड रोटेशन फायर स्विच जंप एंड रोटेशन फायर। तो बस प्रैक्टिस करते रहें स्विच जंप एंड स्विच जंप, ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। बस आप प्रैक्टिस करते रहना, फिर मैं सच्ची बोलता हूँ यार आप 100% सीख जाओगे जल्दी जल्दी। तो परफेक्ट जंप या सुपर जंप जो भी बोलते हैं, तो सुपर जंप ज़्यादातर बोलते हैं, तो सुपर जंप आप जल्दी सीख जाओगे। और वन टैप तो बहुत लगाते हैं तो सुपर जंप करने से जो वन टैप का चांसेस बढ़ जाता है। तो यार सुपर जंप सीख जाओगे तो यार वैसे मैं भी सीखा, तो देख लो मेरा छोटा सा क्लिप, अगर सीख जाओगे तो आपका भी ऐसे ही लगेगा।